स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी ड्रीम जोन में। ईंधन की बढ़ती कीमतें और पर्यावरणीय क्षति को मद्देनजर रखते हुए लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है, इसलिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी इस इलेक्ट्रिक वाहन के सेगमेंट पर खासा ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमें बार बार ईंधन भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसका ईंधन भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी सस्ती भी पड़ती है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पैक इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक में लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। पुराने जमाने के इलेक्ट्रिक वाहनों में लीड एसिड की बैटरी लगी होती थी, लेकिन सरकार ने उस पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है, इसलिए अब लीड एसिड की बैटरी की जगह लिथियम आयन बैटरी ने ले ली है। लीड एसिड की बैटरी 15-25% सस्ती होती है और उसकी बैटरी लाइफ 2 साल तक होती है। वही लिथियम आयन बैटरी की लाइफ 5 साल तक होती है। ई वाहनों की बैटरी बिजली से चार्ज होती है। स्कूटर के बैटरी की क्षमता जितनी अधिक होगी, कार उतनी ही अधिक शक्तिशाली और रेंज प्रदान करेगी। स्कूटर की बैटरी वाटरप्रूफ, शॉक प्रूफ और इसमें बैटरी को बदलने की सुविधा है या नहीं है, यह पहले तो जांच लें। अब बात करते हैं रेंज के बारे में। नई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय ध्यान रखें कि हमें यह पता होना चाहिए कि वो फुल चार्ज में कितनी दूरी तय कर सकती है। यह ड्राइविंग रेंज बैटरी की कैपेसिटी पर निर्भर होती है। कुछ कंपनियां बैटरियों की जो क्षमता होती है उनको एम्पियर आवर्स मतलब AH में नापती है, तो कुछ KWH मतलब किलोवाट आवर्स में नापती है। बैटरी की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी ड्राइविंग रेंज उतनी ही ज्यादा होगी। अलग अलग मॉडल के रेंज अलग अलग होते हैं। कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में स्पोर्ट्स मोड, इको मोड होते हैं और हर मोड के परफॉर्मेंस अलग अलग होते हैं। बाजार में 60 से 120 किलोमीटर तक की रेंज देने वाली स्कूटर्स भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं बैटरी के डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के बारे में। बहुत सी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बैटरी का DOD परसेंटेज यानी कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज परसेंटेज देती है, जो बैटरी में स्टोर एनर्जी को बताता है कि आप कितने परसेंटेज बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 90% DOD का मतलब है कि आप दो पहिया वाहन बैटरी कैपेसिटी का 90% ही प्रयोग कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी में 100% DOD मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि आप बैटरी को 100% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी लाइफ साइकिल, बैटरी स्पेसिफिकेशन में बैटरी लाइफ साइकिल मेंशन होता है। इससे ये पता चल जाता है कि बैटरी की लाइफ कितनी है, यानी कि बैटरी को कितनी बार चार्ज किया जा सकता है। हालांकि यह आपके इस्तेमाल के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि बैटरी की चार्जिंग साइकिल 1000 है और आप दिन में 2 बार फुल चार्ज करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 500 दिनों तक बैटरी बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी की वारंटी। बैटरी की वारंटी समय और दूरी के हिसाब से दी जाती है। जैसे कंपनियां 5 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी देती है। अगर बैटरी 5 साल से पहले 100% चार्ज होने की बजाय 80% होती है तो उसे वारंटी के तहत बदला जा सकता है। अगर आपके वाहन की रेंज 100 किलोमीटर है तो आप अपनी बैटरी के साथ 80 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। बैटरी का चार्जिंग टाइम, पूरी तरह से डिस्चार्ज बैटरी को फुल चार्ज होने में कितना समय लगता है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ में यह भी जान ले कि उस बैटरी को फास्ट चार्जिंग की सुविधा है या नहीं है। आमतौर पर फास्ट चार्जिंग में 80% बैटरी चार्ज होने के लिए 30 से 40 मिनट तक का समय लगता है। बैटरी की पोर्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले यह जान ले कि बैटरी को पोर्ट किया जा सकता है या नहीं। बाइक या स्कूटर से बैटरी को निकाल कर दूसरी जगह चार्जिंग करने की सुविधा है या नहीं। अब बात करते हैं चार्जर रेटिंग के बारे में। सही सॉकेट चुनने के लिए चार्जर का रेटिंग चेक कर ले, उसे कितने वोल्टेज और एम्पेयर की जरूरत है यह जान ले। बहुत सी कंपनियां चार्जर पर 2 साल तक की वारंटी देती है। अगर उनमें कोई खराबी आ जाए तो आप वारंटी के तहत उसे बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, मोटर के बारे में। पेट्रोल या डीजल वाहनों में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में मोटर का होता है।
आमतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में ब्रशलेस डीसी और थ्री फेज वाली एसी इंडक्शन मोटर इस्तेमाल की जाती है। ब्रशलेस डीसी मेंटेनेंस फ्री और ज्यादा टॉर्क देने वाली होती है और उनकी क्षमता 95 से 98 फीसदी तक होती है। वही इंडक्शन मोटर 92 से 95 फीसदी तक की क्षमता वाली और सस्ती भी होती है। पीक पावर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर की टॉप स्पीड पीक पावर पर निर्भर होती है। इलेक्ट्रिक मोटर कितना आउटपुट दे सकती है, इस आउटपुट एनर्जी का इस्तेमाल वाहन को चलाने में होता है और इसे किलोवाट में नापा जाता है। टॉर्क टॉर्क को न्यूटन मीटर में नापा जाता है। ज्यादा टॉर्क का मतलब होता है कि वाहन का पिकअप ज्यादा है। ज्यादा टॉर्क और कम आरपीएम का मतलब है बेहतर पिकअप। आईपी रेटिंग यानी इन ग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। आईपी रेटिंग यानी इन ग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग का फायदा यह है कि जितनी ज्यादा रेटिंग होती है गाड़ी उतनी ही ज्यादा धूल से सुरक्षित रहेगी। जैसे IP65 का मतलब है कि धूल से बचाव के साथ थोड़े बहुत पानी से सुरक्षित। IP66 का मतलब धूल से बचाव के साथ भारी पानी से सुरक्षित। IP67 का मतलब धूल के अलावा 150 mm से 1000 mm पानी के 30 मिनट तक सुरक्षित रहना। IP68 का मतलब है धूल के साथ साथ पानी में पूरी तरीके से डूबने पर भी कोई भी असर नहीं होगा। मोबाइल ऐप सपोर्ट। आजकल बहुत सी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने वाहनों के साथ मोबाइल ऐप को सपोर्ट कर देती है। मोबाइल ऐप सपोर्ट आजकल बहुत सी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने वाहनों के साथ मोबाइल ऐप का सपोर्ट दे रही है, जिसमें गाड़ी की परफॉर्मेंस के साथ राइडिंग पैटर्न, ट्रिप इंफॉर्मेशन, चार्जिंग परसेंटेज, जियो फेंसिंग और GPS जैसे फीचर्स भी मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर की मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका RTO में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है तब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है तब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा मान के चलिए कि आपकी गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है तो इस हालत में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं सर्विस के बारे में। पेट्रोल डीजल पर चलने वाले वाहनों को किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में किसी भी मैकेनिक के पास ले जाया जा सकता है। हालांकि ई वाहनों के मामले में उसकी सर्विस अधिकतर सर्विस सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। कोई भी ई वाहन खरीदते समय कंपनी की सर्विस पॉलिसी और वारंटी की जानकारी भी ले, यह भी पता करें कि क्या कंपनी कारों के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाती है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी जरूरत। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर शुरू हो गया है, सिर्फ इसलिए आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। क्या आपको रोजाना कहीं जाना पड़ता है? क्या आपको ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है? क्या आप उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोजाना चार्ज कर सकेंगे? जब इन सवालों को लेकर आपके पास सारे जवाब साफ हो जाए तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने या न खरीदने के बारे में निर्णय ले लें। अब बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत के बारे में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमतें अधिक होती है, खासकर तब जब उस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हाईटेक फीचर्स दिए गए हो। इसलिए सबसे पहले अपने कार की जरूरतों पर विचार करें और फिर सही विकल्प चुनें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और स्क्रीन पर आपको और कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, उन वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस भी बहुत ही अच्छे हैं।